नमस्कार। ट्रेन का एक इंसिडेंट है। अभी जब मैं जयपुर स्टेशन पहुंची, मतलब हम जा रहे थे यहाँ से मध्य प्रदेश, हमें निकलना था जयपुर से, हमारी दूसरी ट्रेन थी। वेटिंग रूम में हम यूं नहीं गए क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर का रश था, तो हमने कहा मैं और मेरा भाई बाहर ही बैठ गए। जब हम बाहर बैठे तो एक्चुअली वहाँ पे सामने से एक आदमी रेगुलरली कंटिन्यू देखे जा रहा था। मैं मतलब बता नहीं सकती, शायद मतलब उस टाइम मुझे लिटरली फील हुआ उस टाइम कैसा हम लड़कियों को, हम फीमेल्स को, औरतों को बहुत बार फील होता है कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और काफ़ी सारी लड़कियां तो बेचारी अंदर ही अंदर इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, शायद मैं आपके सामने एक्सप्रेस भी ना कर पाऊँ। क्योंकि काफ़ी बार ये भी होता है कि अगर हम सामने वालों को बताते हैं, हमारे साथ वालों को बताते हैं, तो उनको लगता है कि तू ही देख रही थी, तू ही घूर रही थी, इसलिए तुझे पता चल रहा है, वरना तुझे कैसे पता कि वो तुझे घूर रहा है। अरे यार, ये सिक्स सेंस होता है, कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको घूर रहा है, कोई इस तरह की, तो हमें पता चल जाता है, इंट्यूशंस आ जाते हैं। अब हुआ क्या, काफ़ी देर तक तो मैं नोटिस कर रही थी, सिर्फ मैं सामने उसके देख रही थी तो वो इधर उधर देखने लग रहा था, वो देख रहा है, फिर मैं सामने देख रही हूँ तब वो इधर उधर देख रहा है। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर देखती हूँ, उसके बाद बताते हैं हम भी अच्छी तरह से, मार पिटाई पे भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लोग देखेंगे। बट मैं वहाँ बैठे बैठे एक्चुअली यही सोच रही थी कि ऐसी कितनी सारी लड़कियाँ हैं यहाँ जब बैठी होंगी, बैठी रहती होंगी, और क्या क्या वो झेलती होंगी। मतलब अगर वो यात्रा भी कम्फर्टेबल तौर पर ना कर पाएँ तो मतलब सीरियसली यार, हम किस तरह सेफ़ हैं, कैसे सेफ़ हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और सबसे बड़ी बात है, फिज़िकली से ज़्यादा ये चीज़ें मेंटल तौर पे हम लोगों को परेशान कर देती हैं, स्ट्रेस में डाल देती हैं। इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है कि यार, हम सुखद यात्रा करने निकले थे, ट्रैवलिंग मतलब मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और ये सब क्या हो रहा है। यही सोच कर फाइनली जब उसका बंद नहीं हुआ, मैं गई आराम से उठ के, मैंने भाई को बोला, मैंने कहा रुक मैं आती हूँ, उसको मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने कहा तू बैठ, मैं आ रही हूँ, छोटा भाई है मेरा। मैं गई, उसका एक एक्चुअली वहाँ पे ठेला था, ठेला स्टॉल टाइप जो भी था, बिस्किट चाय वगैरह, वो सोचिए आप, उसके साथ एक और बंदा था, वो दोनों रेगुलरली बात कर रहे थे। मैं गई, मैंने कहा कि तुमको दिक्कत क्या है, एकदम धीरे से धीमी आवाज़ में, कि मैंने क्या किया। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, अगर गलती से वापस ऐसा किसी लड़की के साथ किया ना तो लाइसेंस कैंसिल करवा दूँगी, और उसके बाद जो होगा तो इमेजिन नहीं कर सकता है एज अ टीचर। और मतलब ऊपर से लॉज भी भगवान की कृपा से हमें मालूम है, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे फ्रेंड्स लॉयर हैं। खैर वो बात की बात आती है, पहले मुझे उस चीज़ का खुद सामना करना था। इतना कहते ही चलिए, एक अच्छाई तो थी उस बंदे में, उसने हाथों हाथ मुझे बहुत बार हाथ जोड़ के सॉरी बोला, और मैंने उसको ये बोला कि आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, तेरे साथ तेरा दोस्त भी है, उसने ऐसी मतलब वो भी तो बैठा हुआ है, वो आराम से तेज से बातें कर रहा है, और मतलब तुम मतलब अलग ही तुम्हारा कुछ चल रहा है, इंसान इस प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे शांति से बैठ भी नहीं सकता है, तो फिर सोच के देखो। यही चीज़ तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन माँ, वो डायलॉग निकल गया यार, पिक्चरें देख देख के ना वो माँ और ऐसे बहन के साथ ऐसा ये वाला चीज़ आ ही जाता है, पता नहीं कहाँ से, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहती थी, बट स्टिल कहता नहीं मेरे घर में माँ भी है और बहन भी है। मैंने कहा फिर भी इस तरह की हरकतें तुम कर रहे हो, शेम ऑन यू। तो कहता मुझे माफ़ कर दो। तो ये अच्छी चीज़ हुई कि उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, सॉरी बोला, और उसके बाद गलती से भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो एनीवेज़ मेरा मैसेज यही था कि हम सारी लड़कियां ऐसी नहीं हो सकती, सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन जिनसे बन पड़े, डिफेंस बैकग्राउंड होने के नाते ये थैंक्स टू माई पेरेंट्स, इन्होंने ब्रॉट अप ऐसा किया है कि हम हाथों हाथ जवाब दे देते हैं। और ये सोचकर स्पेशली कि यार हम झेलेंगे तो ऐसी कितनी सारी लड़कियां हमारे पीछे ना झेलें, सबसे बड़ी बात ये है। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।